सर मेरिट किन्नी जांदी है पेपर दी? मेरिट मैं दस देना हाँ, 2022 का सारा रिजल्ट मेरे को पिया है, देख सकते हो रिजल्ट जो देखना है। रिजल्ट विच इस सेकंड काउंसलिंग का है, नंबर वन याद रखना, ये लगभग 5000 दे, 5500 दे करीब बच्चे जिहड़े सेकंड काउंसलिंग काउंसलिंग विच सीट मिली सी उन्हां दी है। इट मीनस इन्हां तो पहला फस्ट काउंसलिंग विच लगभग 7000 दे करीब बच्चों लगभग सीट मिल चुकी है। उस तो बाद दी जो मैरिट तुहाडे कोल है इत्थे, जिन्हां नूं सीट नहीं मिली कॉलेज तो सैटिस्फाई नहीं हुंदे जां कॉम्बीनेशन तो, ते फिर सैकेंड काउंसलिंग विच आ सकदे ने, है ना। तो वो देखो तुसी, ए सीरियल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, कैंडिडेट नेम है, फादर नेम है, रेजिडेंस है, जनरल कैटेगरी है। मैं क्यों दस रहा हाँ, किस दी वेटेज लगनी है, फॉर्म भर रहे हो, इन्हां दी गल्लां दी ध्यान रख सकते हो। सो इत्थे जेंडर है, मार्क्स इन एंट्रेंस टेस्ट, ए टॉप ते बच्चा जिहड़ा सैकेंड एंट्रेंस विच है 127 मार्क्स ने उसके, ओके। उस तो बाद 117, 116, 114, 112, 110, 110, 109, 109, 109, 109, 108, है ना, अगे भी दिखा देना हाँ। नाल रूरल एरिया है, रूरल एरिया दे विच जेकर तुसी दसवीं ते बारहवीं कीती हुई है रूरल एरिया चों ते सर्टिफिकेट है, फिर तुहानू 1% मार्क्स, मीन 1.5 मार्क्स मिल जाने, वो मिला के टोटल मार्क्स इत्थे लगे हुए हैं। सो ये टोटल मैरिट है। इस तो अलावा ग्रेजुएशन चो तुहाडी परसेंटेज किन्नी है, डेट ऑफ बर्थ है, मैरिट लिस्ट है। हुण इहदे विच तुसीं की जानना चाहुंदे हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट वाइज नहीं है, ये मैं थोड़ा जिहा दस दिता है, अगे दिखा दिंदा हाँ कि मैरिट जिद्दां जिद्दां अगे जाती है उदां उदां टाई वधदे जांदे हन। और ये देखो 100 तक, ये 100 है ना, किन्नी मैरिट है, 66 रैंक है और 100 तक है, पर ये सैकेंड काउंसलिंग दी है, फस्ट दी इस तो अगे मैरिट गई हुई है। सो ये 100 वाले है, इन्हे बच्चे 100 लैके जा रहे हैं, इट मीनस पहली काउंसलिंग विच जे इहदे विच लगभग ये 15-18 दे करीब हन, ते 30 दे करीब 100 मार्क्स लए होणगे बच्चों ने। सो तुसी जो अंदाज़ा लगाना चाहते हो, मैनू नहीं पता तुसी ये क्वेश्चन की पूछा है, ये सब्जेक्ट दी नहीं है, कट ऑफ दे विच सब्जेक्ट दी है। उसलिए जे तुसी तुहानू ये चाहिए है कि केड़े कॉलेज दी पिछली बार मैरिट किस कॉम्बीनेशन चो किन्नी गई सी, ते ओ मैं वीडियो बना देना है, एक वीडियो एग्जाम्पल के तौर पर इस तो नाल ही आ जाएगी, उसनू तुसी देख लेना। सो लास्ट मैरिट लिस्ट है जिहड़ी जा रही, इस तो तुसी देखो कि रैंक ये आ गया साढ़े कोल 200 के करीब, इतने आ गया 200 के करीब मार्क्स किन्ने हैं, 93 टोटल मार्क्स जा रहे हैं। हुण मैं तुहानू दसदा हाँ कि टोटल लास्ट जावा मिड च, ये इतने आ गया, ये है साढ़े को 2000 के करीब, 2776 और टोटल मार्क्स है 69, है ना। मीन तुहानू एनिक स्कोर तो लै लेने चाहिए हैं। हुण ये मैरिट का फर्क की पैंदा है, जिहड़े टॉप वाले बच्चे सी इत्थे मैं दिखा के आया, ये बच्चों नू जिहड़ा कॉलेज जिहड़ा कॉम्बीनेशन जिथे चाहिए है उत्थे मिल जाएगा, इस तो उत्ते वालियां नू तो मिल गया है पहली काउंसलिंग विच, ते जिहड़े नीचे वाले है पॉसीबिलिटी है कि वह प्राइवेट कॉलेज मतलब गवर्नमेंट च इन्हां नू नहीं मिलेगी जिहड़े हन, पर डिपेंड करता है तुहाडा सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन की है, उहदे लई कट ऑफ देखनी पएगी। इसलिए ये वड्डा अंदाजा तुहानू इस वीडियो तो नहीं पता लगेगा, मोटा मोटा पता लगेगा। अच्छा मैं दिखा दिना हाँ अगे कि ये है 2000 तक, इसते जाने हाँ ये मैरिट गई है 4000 तक सैकेंड काउंसलिंग विच, मतलब कि 4000 इहदे अगे 7000 लो, 11000 बच्चे इस तो अगे ने जे तुसी मार्क्स लैके जाते हो 60 दे करीब, इतने 60 चल रहे, 59.5555 यही चल रहे हैं, ओ माई गाड, 60 है ना, 59.5 इन्ने जा रहे हैं, मतलब 11000 बच्चे इस तो अगे ने। जे तुसी 11000 बच्चा इन्ना अगे पिछे जाना चाहते हो तो डिपेंड करता है इन्हां दे विच्चों, ये कोई मैं अपनी एडवरटाइजमेंट नहीं कर रहा, मैं नहीं कहना मेरी वीडियो देखो शेयर करो लिंक करो वगैरह, कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने मतलब इन्हों पिछलिया वीडियो तो गाइडेंस मिली सी, ए इन्हों का कहना सीगा, ठीक। तो इस तो इलावा लास्ट से आप जाके देख सकते हैं कि लास्ट किन्ने ते मैरिट जाती है, लास्ट है जी ये नॉर्मली रिजर्व कैटेगरी के बच्चे ने, और लास्ट जिन्होंने सीट मिली है
नैचुरली है इन्हां दी सैटिस्फैक्शन कॉलेज दी कंबीनेशन दी दूरी दी इदां दी डिससैटिस्फैक्शन रहियां होणगियां जां 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 इन्हां नूं फीस वध देनी पई होएगी क्योंकि जे कर लोअर रैंक ते आंदे ने प्राइवेट कॉलेजां नूं पता हुंदा है कि इहदा लोअर रैंक है नॉर्मली उस दी फीस उसनों वध लैण लई हर कोशिश कीती जा सकती है पर बड़े अच्छे प्राइवेट कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेजों में भी अच्छे प्राइवेट कॉलेज है एडडा नाल भी अच्छे प्राइवेट कॉलेज जिन्हों का कल्चर बहुत अच्छा है ऐसे भी है सो प्राइवेट की रेंज बहुत है बहुत नैगेटिव तो बहुत पॉजिटिव तक भी है सो ये इसलिए मेरे ख्याल ना तुसी इन्ना ना सोचो कि मैं इन्ने मार्क्स लेने हैं सो क्योंकि ये हाँ दूसरी गल है ये 30 रिजर्व कैटागरी वाले ने जनरल कैटागरी वालों नैचुरली है कि इस तो अगे दी रिजर्व कैटागरी ही चल रही है इस तो वध मार्क्स लेने पैणगे इसलिए थोड़ा जिहा पढ़ लो थोड़ा जिहा ज़्यादा बेशक ना पढ़ो पिछले पेपर सॉल्व कर लो ये जो वीडियो प्रैक्टिस दियाँ पा रहे हैं उन्होंने देख सकते हो और स्पैशल वीडियो मैं चुन चुन के दीक्षा ते सर्व शिक्षा अभियान ते RTE एक्ट ते है ना कमीशनस है कमेटीज़ एजुकेशन दे कमीशन एजुकेशन दे कमेटीज़ है न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ ते है ये जिन्नियाँ भी वीडियो है RTE एक्ट ते 21 ते 1A ते एक वीडियो बनाई से तो 8-10 क्वेश्चन बनते हैं वो वाली वीडियो जरूर एक बारी देख लो थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह लर्न टू एक्चुलाइज़